सूरह अल-फातिहा की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन दारमी की रिवायत है, फातिहतुल किताबी शिफाउ मिन कुल्ली दाइन। सूरह अल-फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। आज ये जरूर देखेंगे कि सूरह अल-फातिहा से इंसान के बातिन को कैसे शिफा मिलती है, और जाहिरी तौर पर आप तजर्बा कर सकते हैं कि कैसे शिफा मिलती है। 7 बार इसे पढ़कर अगर अल्लाह से दुआ की जाए, किसी पर फूंक दिया जाए, तो शिफा मिलती है। सूरह अर-रुकैया भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसको पढ़कर जब किसी को दम किया जाता है तो अल्लाह ताला की तौफीक से उसे शिफा भी नसीब होती है। सही बुखारी की 4474 नंबर पर रिवायत है, अबू सईद बिन मौल्ला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मैं मस्जिद से निकलने से पहले आपको कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत के बारे में बताऊंगा। फिर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। जब आप बाहर निकलने लगे, मैंने याद दिलाया कि आपने मुझे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत बताने का वादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही वो सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता किया गया। और अबू सईद मौला आमिर कुरैस ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लम ने उबई इब्ने काब से फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत बताऊंगा कि उस जैसी सूरत तौरात और इंजील में नहीं उतारी गई, और न ही कुरान में वैसी कोई दूसरी सूरत है। फिर आपने पूछा, जब नमाज की इब्तिदा करते हो तो क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने फरमाया, यही वो सूरत है, इमाम मालिक की रिवायत है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस जैसी सूरत ना तो तौरात में उतरी है, ना इंजील में, ना फुरकान में, ये सबा मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। तिर्मिजी की रिवायत है। और सईदना उलाब बिन हजरमी से रिवायत है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान पूरा पूरा तकसीम कर दिया है, निस्फ अपने लिए और निस्फ बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो सब कुछ है जो वो तलब करे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द यानी तारीफ की। जब वो अर्रहमानिर्रहीम कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब वो मालिक यौमिद्दीन कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। जब वो कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो उसने तलब किया। जब वो इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम से वलद्दाल्लीन तक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये मेरे बंदे के लिए है और उसके लिए वो कुछ है जो उसने मांगा। मुस्लिम की रिवायत है। ये सूरह अल-फातिहा की फजीलत के हवाले से कुछ रिवायत हैं। रिवायत इसके अलावा और भी हैं और बहुत खूबसूरत, लेकिन उन सारी रिवायत से सूरत की अहमियत के हवाले से पता चलता है। और ये कितनी अहम बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरह अल-फातिहा की तिलावत नहीं करता, यानी जो सूरह अल-फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज अदा नहीं होती। इस लिहाज से सूरह अल-फातिहा का पढ़ना, नमाज की हर रकत में पढ़ना, नमाज की अदायगी के लिए लाजिम है।